हे गाइस, मैं हूं पिंकी आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जो फेस मास्क है वो कैसे लगाते हैं और किस टाइम उसको लगाना चाहिए, क्या क्या जरूरी चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हैं जब अपने फेस मास्क लगाएं, ताकि जो भी चीजें उसके अंदर है वो आपकी स्किन को ज्यादा बेनिफिट दे सके और ज्यादा मात्रा में वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो आज जो मेरे पास फेस मास्क है, मुझे एक लैमिको बॉक्स में मिला था, मुझे टेस्ट भी करना था, तो मैं आज इस वीडियो के लिए यही, मैं इसका रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, बस मैं आपको फेस मास्क कैसे लगाते हैं वो बताने वाली हूँ। तो फेस मास्क लगाने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमेशा कोशिश करें कि आप नहाने के बाद ही फेस मास्क लगाएं, नहाने से पहले ना लगाएं, क्योंकि नहाने से पहले लगाने पर हमारे पोर्स वो बंद ही रहते हैं, लेकिन नहाने के बाद जो हमारे पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, तो उनको टाइटन करने के लिए हम फेस मास्क लगा सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि फेस मास्क नहाने के आने के बाद लगाने के बाद कोई टोनर या कुछ मत लगाइए, अपना फेस मास्क लीजिए और डायरेक्ट अपने स्किन पर लगा लीजिए। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा थिक फेस मास्क है तो डेफिनेटली उसको थोड़े से रोज वाटर या पानी के साथ डाइल्यूट कर ले और अच्छे से सर्कुलर मोशन के अंदर उसको लगाएं। हमेशा डाउनवर्ड लगाएं, अपवर्ड कभी ना लगाएं, और आंख के हिस्सों को हल्का छोड़ दें तो ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अभी मैं एक फेस मास्क लगा लेती हूं। इवनली लगाना है आपको हर, और नहाने के बाद ही लगाना है फेस मास्क। हमेशा अपना नेक एरिया भी ध्यान में रखें कि आप नेक एरिया के अंदर भी फेस मास्क को अच्छे से लगाएं। मैं बहुत, मेरा नेक थोड़ा ज्यादा ही लंबा है, तो मैं बहुत ज्यादा डाउनवर्ड नहीं जाऊंगी वरना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। जब फेस मास्क आपका लग जाए तो देखिए, बहुत ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जब भी हम फेस मास्क लगाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत ज्यादा थिक लेयर लगा लेते हैं और वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर रेडीमेड आप फेस मास्क लगा रहे हैं तो उसकी कोई थिक लेयर की आवश्यकता नहीं होती, जितना थिन लगाएंगे उतनी जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, उतनी जल्दी से सूखेगा और अच्छे ही ग्लो देगा। बहुत थिक लेने से ये नहीं कि हमारी स्किन सारे ही न्यूट्रिशंस को एक बार ही खींच लेगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो वेस्ट ही है मास्क आपका। तो जैसे मैंने एक बिल्कुल थिन लेयर लगाई है, ऐसे ही आपको थिन लेयर लगानी है और कम से कम 20 मिनट अपने मास्क को छोड़ दें। अगर बहुत जल्दी सूखता है, काउलिन के लिए है, तो डेफिनेटली 8 to 9 मिनट्स मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपका थिक मास्क है, बहुत ही हैवी है, तो आपको जरूरत है कि आप उसको 20 मिनट्स एटलीस्ट छोड़ दें। उसको छोड़ने के बाद क्या होगा, वो हल्का सूखेगा, नोज एरिया जल्दी सूख जाएगा, लेकिन चिन के जो पीछे का एरिया होता है, ये और ये वाला एरिया और हल्का सा फोरहेड, ये आपका थोड़ा लेट सूखता है, तो इसको सूखने का इंतजार ना करें, उसके बाद अपने फेस जो है आप उसको वॉश कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको हल्का फुल्का सूखने का इंतजार करते हैं, 20 मिनट के बाद मिलते हैं। तो ये मास्क ऑलमोस्ट सूख गया है, आपको लग रहा होगा कि इसने कलर चेंज नहीं किया, तो ये बिल्कुल जरा सा कलर चेंज किया, मुझे भी ऐसा लगा कि कब सूखेगा, लेकिन ये बिल्कुल सूख गया है और यहाँ थोड़ा बहुत गीला रह गया होगा बिल्कुल, जैसे कि आपकी कलर और हल्का फुल्का चेंज देख रहे हैं ये। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्किन को एक्सफोलिएट भी, आप कोशिश करें कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करें। तो मेरे पास ये गीला तौलिया है, तो मैं इससे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हुए इस मास्क को पोंछ लूंगी, ना कि मैं सीधा धो के आ जाऊंगी। इससे क्या होगा कि मास्क उतारते के टाइम आपका स्किन हल्का फुल्का एक्सफोलिएट होगा, जिससे आपकी स्किन और ज्यादा ग्लो करेगी, और ये नेचुरल स्क्रबिंग का काम करता है। तो आप सर्कुलर मोशन में इस मास्क को आराम से उतार लें।
बस इस स्टेज के अंदर आपका जो मास्क है वो पूरी तरह से उतर चुका है, तो आप चाहें तो अपने फेस को वॉश भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, अपना टोनर अप्लाई कर लीजिए, दैट्स इट। और ऐसे हम अपने मास्क को अप्लाई करें। आप हमेशा कोशिश करें कि मास्क नहाने के बाद यूज करें, नहाने के पहले यूज ना करें, ताकि आप ज्यादा रेडिएंट और ज्यादा ग्लो अपने स्किन पर देख पाएंगे और अपने पोर्स जो वो टाइटन रहेंगे। मास्क जो फेस मास्क होते हैं वो ज्यादातर अपने पोर्स को टाइट करने के लिए होते हैं, ना कि नहाने से पहले लगाने के बाद। वो पहले टाइट हो जाएंगे, नहाने के बाद फिर खुल जाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी टिप्स भी पसंद आई होगी, और बताइए मुझे कमेंट के थ्रू। और मेरे चैनल पर गिव अवे चल रहा है, तो वो भी पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करें नीचे, कमेंट बोलो कि आपको वो जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है वो क्यों चाहिए वैनिटी कास्क, और 15 को विनर अनाउंस हो गए। तो तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।